द्वारपाल द्वार को भली भांति बंद करके बाहर सतर्कता के साथ पहरा देते रहना। राजभवन पर राक्षसों का आक्रमण हुआ है, जाओ। ये एकाएक क्या होने लगा? माँ, माँ ये क्या हो रहा है? माँ, ये धुन कहाँ से आई? ये क्या हो रहा है माँ? पुत्री, एकाएक कच्छ में धूम्र भर गया है। मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं तो यहाँ मात्र वानर की माता और इन बच्चों को ले जाने आई हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी राक्षसी। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? मेरे बच्चे। अंजना, एकाएक सब कहाँ लुप्त हो गए? महाराज, एक मायावी राक्षसी ने माया के द्वारा शयन कक्ष से महारानी और एकत्रित बच्चों का अपहरण कर लिया है। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। आयुष्मान भवपुत्र हनुमान, आज पुनः तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सका है। पुत्र, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतना महान कार्य करने के बाद भी अभिमान तुम्हें तनिक स्पर्श नहीं कर पाया है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम। नारायण नारायण, सत्य है, अभिमान और अहंकार जैसे विकार तो हनुमान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम्हारी जय हो हनुमान। नारायण नारायण। पुत्र हनुमान, तुमने मुझे संकट से मुक्त तो करा दिया, फिर भी कार्य अपूर्ण है। रथ तो मिल गया है, किंतु अभी अश्वों के विषय में ज्ञात नहीं हुआ, और जब तक अश्व नहीं मिलेंगे दिवस नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शिक्षा रुकी हुई है, सृष्टि का असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें शीघ्र ही अश्वों को ढूंढने जाना है। चलो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम सूर्यदेव। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि देवी संज्ञा को हुआ क्या है। उपचार तो तभी संभव है जब ये ज्ञात हो जाए कि ज्वर कैसा है। गुरु माता, क्या हो गया था आपको एकाएक? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र, कदाचित तुम्हारे गुरुदेव संकट में थे, संभवतः
वो संज्ञा विहीन हो रहे थे, जिसके प्रभाव से मेरी व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई। किंतु अब मुझे स्वस्थता का आभास हो रहा है। मुझे भी यही आशंका थी देवी। प्रतीत हो रहा है कि हनुमान ने गुरुदेव के संकट हर लिए, इसलिए आप भी स्वस्थ हो गई हैं। प्रणाम महारानी जी। हनुमान, मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं ना, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। हनुमान, तुम तो सभी को संकटों से मुक्ति दिलाते हो, मेरे स्वामी के संकट भी दूर कर दो, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। हनुमान, अश्व को ढूंढने में जितना विलंब होगा सृष्टि उतनी ही संतप्त होती जाएगी। शीघ्र चलना होगा हमें, चलो पुत्र। एक ओर गुरुदेव के साथ चलने की आज्ञा है, दूसरी ओर महारानी जी का निवेदन एवं वरुण देव का संकट। क्या करूं मैं, गुरुदेव की आज्ञा मानूं या महारानी जी का निवेदन? हनुमान चलो। वरुण देव को मुक्त कराए बिना चलने को क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्या सोच रहे हो हनुमान, तुम्हारी शिक्षा का समय निकला जा रहा है, चलो। क्षमा करें गुरुदेव। गुरुदेव, वरुण देव भी आपके समान एक देवता ही है, जो मुख्य तत्वों में से एक है। इनकी मुक्ति से ही जल के लिए तरस रहे संसार को जल की प्राप्ति होगी। इन्हें मुक्त कराए बिना यहाँ से जाना अनुचित होगा गुरुदेव। मारुति को हुई दुविधा, सृष्टि की करते चिंता, जगत पाए जीवन जल, वरुण देव हो पुनः सबल। मुझे क्षमा करें हनुमान, तुम आज्ञा गुरु ने की प्रदान, वरुण पाएंगे मुक्ति दान, होगा जल पुनः प्रवाहित, हनुमत करते सबका। प्रणाम सूर्यदेव, आपने मेरी धृष्टता को भुलाकर मुझे मुक्ति प्रदान की, आपको शत शत नमन। हनुमान, तुम्हारा भी आभार है मुझ पर, तुम्हें भी नमन। वरुण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पुत्र के ही समान हूँ, आपको मुझे नमन नहीं करना चाहिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। हनुमान, तुम तो वो दीपक हो पुत्र, जो संसार के अंधकार को हर। चलो सारे के सारे, महारानी अंजना। अब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यही रहोगी महारानी अंजना, जो शीघ्र ही आने वाला है। और हाँ, इसे इंद्रलोक समझने की भूल मत करना, जहां से तुम लौटकर वापस आ गई थी। क्यों कर रही हो ये सब?
कहाँ लेकर आई हो? इन बालकों ने तुम्हारा क्या हित किया है? चुप! नेत्र दृष्टिविहीन, देह शक्तिहीन, फिर भी स्वर में इतना रोष, मुझ महामायावी पातालिका के समक्ष। किंतु तब भी तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी मैं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तुम सब पाताल लोक में हो सुमेरु की महारानी, किंतु चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही तुम सबको मुक्ति मिलने वाली है। पाताल लोक से ही नहीं, मृत्यु लोक से भी। क्योंकि शीघ्र ही तुम सबकी बलि दी जाने वाली है। पतालिका, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं हनुमान। सूर्यदेव, मेरे दुष्कृत्य का आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। न जाने कैसे मेरी मति फिर गई थी जो मैं ये कर बैठा। ये सब राहु की छाया का प्रभाव था वरुण देव, वही आपसे अधर्म करा रहा था। फिर भी हनुमान और संसार के प्रति जो घोर अपराध हुआ है मुझसे, और उसका परिणाम समस्त सृष्टि को उठाना पड़ा वरुण देव। मुझे अविलंब संसार को जल तत्व लौटाना होगा। संसार में पुनः जल तत्व व्याप्त हो जाए। संसार को जल तत्व प्राप्त हो गया सूर्यदेव, अब आपका रथ भी लौटाना है मुझे। वरुण देव, मेरे अश्व कहाँ हैं? अश्वों के बिना मेरा रथ नहीं चल सकता। वो तो पाताल लोक में पातालिका के पास है। पाताल से आपके अश्वों को सुरक्षित लेकर आऊंगा, मुझे आज्ञा दें। हनुमान, पाताल लोक जाना सहज नहीं है। और वो पातालिका महातांत्रिक एवं महामायावी राक्षसी है। मुक्त कर दो हमें, जाने दो। महामायावी पातालिका को दंड देगा तुम्हारा वो नन्ना सा पुत्र। नन्ही सी चींटी भी हाथी को गिरा देती है पातालिका, तुम्हें और तुम्हारी इस पाप की नगरी को एक क्षण में ध्वस्त कर देगा मेरा पुत्र। तुम्हारे उसी पुत्र के नेत्रों के समक्ष मैं सूर्य देव का रथ उठा कर ले आई।
नहीं कर पाया था वो। बुला लो अपने उस महाबली पुत्र को। शिक्षा प्राप्त करने गया है वो, अन्यथा मैं उसे अवश्य बुला लेती। वैसे भी उसकी शिक्षा में अब एक ही दिन शेष है और तुम्हारे जीवन के भी कुछ ही दिन बचे हैं। नहीं। मिल लोगी तुम अपने पुत्र से, इतनी दया तो दिखा ही सकती हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा आवश्यक है, किंतु यहाँ के बालकों के जीवन की रक्षा उससे भी अधिक आवश्यक है। नारायण नारायण, कहाँ तो हनुमान को संकट से बचाने और शिक्षा पूर्ण करने के लिए अंजना ने अनिमेष व्रत रखा और अपने नेत्र गवा बैठी। अब सहस्त्रों बालकों के जीवन की रक्षा के लिए अंजना हनुमान को शिक्षा के मध्य से बुलाने जा रही है। सत्य है, मोह से बड़ा कर्तव्य होता है। आप धन्य हैं देवी अंजना। नारायण नारायण। नहीं, जाने दो। बुलाओ उस हनुमान को, अन्यथा बलि से पूर्व ही इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगी। क्या हुआ हनुमान? मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दी गुरुदेव, अवश्य ही वो किसी संकट में है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान? पताल की कक्षा से तुम्हारी माता को पाताल लोग ले गई हैं। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या मेरी माँ? ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? इतना ही नहीं, बालकों को भी अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गई हैं। शिखा सिंह का माँ अवैधिक यज्ञ कर रही है, जिसमें शीघ्र ही सूर्यदेव के अश्वों की, बालकों की और देवी अंजना की बलि चढ़ाई जाने वाली है। और ये सब लंकेश रावण के कहने पर हो रहा है।